लगती है भोली भाली मतवाले नैनों वाली इनकी मासूमियत से जरा बचना तेवर है इनके ऐसे किसी मुल्क की मलका जैसे इनको पटाए कैसे हाय मिर्चियां ये मिर्चियां ओ लड़कियां ये मिर्चियां मिर्चियां ये मिर्चियां ओ लड़कियां ये मिर्चियां भाई हेलो हाँ बोले हैं आ सच्ची कब अच्छा अभी अरे सच्ची हाँ पर ठीक है अच्छा अरे अल्लाह अरे चप्पल मेरी हाँ तूने अरे कोई तमिल फिल्मों के फिलॉप हीरो सुबह दोपहर शाम दो कचरे हलक में चपका लेना अच्छा तो फिर नाक में चपका लेना नाक बंद हो तो कान में चपका लेना कान बंद हो तो आंखों में चपका लेना कहीं भी चपका ले तेरा मुंह खुल जाएगा अगर मुंह नहीं खुलेगा तो फिर तुझे कोई चपका देगा अजी सुनते हो सुनते हो अरे हटो बकत आगे से मेरे बिल्कुल अरे यकीन सुनते हो रिश्ता आया है हमारी बच्ची का अल्लाह ने हमारी सुन ली दो घंटे के अंदर अंदर वो लोग हमारे घर आ रहे हैं क्या हजियान बकरी ही हो वो मुसीबत है अरे कान का आला ये पड़ा हुआ तुम्हारे सामने कान में लगा ताकि बात सुन सको और तुम एक बात सुनो कि मरीजों की सुनते कैसे बगैर आले के अरे भाई सारे मरीज जानते हैं इसलिए वो लोग ऊंची आवाज में बात करते हैं तू क्या और फल बकरी थी भाई अरे मैं कह रही थी रिश्ता आ नहीं रहा आ गया है अच्छा मुझे इस उम्र में किसने पसंद कर लिया तुम्हें तो जवानी में पसंद ना करे तुम्हारे लिए नहीं तुम्हारी बेटी के लिए रिश्ता आ रहा है अबे कौन सी वाली का रिश्ता आ रहा है मेरी तो तीन स्टूडेंट बेटियां हैं हाँ फरहीन के लिए रिश्ता आ रहा है और माशाल्लाह से लड़का इनकम टैक्स में है फॉर्म डन करो मैं हॉल बुक करा के आता हूँ अरे बैठ जाओ नीम हकीम अभी रिश्ता पक्का नहीं हुआ है तो फौरन रिश्ता पक्का करो चूल्हे पे चढ़ा दो मेहमानों की लिस्ट बनाओ फौरन अरे भाई कुछ ज्यादा नहीं बस लड़का और उसके माँ बाप आ रहे हैं शादी में इतने कम लोग वो तौबा है भाई मैं शादी की नहीं घर आने वाले मेहमानों की बात कर रही हूँ मेहमान आ गए ओहो अभी नहीं दो घंटे बाद आएंगे तुम तो बैठो सुनो मैं बच्चियों को बता कर आती हूँ मैं बहुत खुश हूँ बड़ा भारी आते भाई लो भाई इसमें लिखा है तिल्ले मुकविया खास लाखर वाला खोत ये तो कोई अजीब सी बात है ये क्या हो रहा है अम्मा ये मुझे मेकअप कर रही है आई है लग रहा किसी का कलेजा चबा कर आ रही है मैंने इसको कहा भी था लिपस्टिक कम रखे जैसे उसने लगाया वही शेड तो लगाया है अरे उसके होंठ देख लग रहा किसी कबूतर के और इसके देख लग रहा जंगली कबूतर का खून पी कर आ रही है अम्मा हाँ अरे मेरी बच्ची मैं उस टीवी वाली कलमुही की बात कर रही हूँ तुझे थोड़ी कह रही हूँ चल जल्दी से तैयार जा तेरे लिए रिश्ता आ रहा है मेरे लिए अम्मा अरे नहीं तेरे रिश्ते के लिए कोई कमी है मैं तो हथौड़े के मुंह वाली के लिए कह रही हूँ अरे मेरी बच्ची मैं तुझे थोड़ी कह रही हूँ मैं टीवी वाली कलमुही को कह रही हूँ ना तो अम्मा अगर रिश्ता इसके लिए आ रहा तो मैं क्यों तैयार हूँ तेरे लिए रिश्ता आ रहा है उसको औरतों के हकूक का पता है औरतों के हकूक का तो मुझे पता नहीं लेकिन उसे कायद आजम के 14 नुकात का पूरी तरह से पता है सीएसएस करके इनकम टैक्स में लगा है रिश्वत खाता होगा जरूर अमलदार जो अपने होने वाले बहनोई के बारे में कोई भी गलत सलत बात अपने मुंह से निकाली तो दूल्हा भाई है वो तुम्हारे अभी कौन से दूल्हा भाई रिश्ता तो होने दे अगर वो औरतों को सर पर बिठाना जानता होगा तो ये रिश्ता जरूर होगा
अरे ये मेरे हाथ देख, मेरी मारे हकूक नहीं। बाज आजा बाज आजा, तुझे जो रिश्ता अच्छा लगे ना तू वहीं पर काजी को बुला के निकाह पढ़वा लेना। लेकिन लड़के में नुकसान निकाला कर है? मैं अब जाती जरा जाके, तू जल्दी से तैयार हो जा, मैं चाय पानी का इंतजाम करके आई है। अच्छा सा तैयार कर दे अपनी बहन को। ओ, जहां कोई रिश्ता पसंद आ जाए वहीं काजी को बुला लेना। जैसे काजी साहब तो मेरी एक फोन कॉल के इंतजार में बैठे हुए ना, बुलवा लो। करीम बाजी आपका काजी से चक्कर तो नहीं चल रहा? चुप कर जा कब। लगती है भोली वाली, मत वाले नैनो वाले, इनकी मासूमियत से जरा बचना। हो मिर्चियां ये मिर्चियां, ये लड़कियां हैं मिर्चियां। नूरी नाम है मेरा। आइंदा मेरे इलाके में मोबाइल फोन छीनने की कोशिश भी की ना तो छठी सातवीं और आठवीं का दूध याद दिला दूंगी, समझा? अम्मा ये लो तुम्हारा मोबाइल। ये मेरा मोबाइल तो नहीं है। तुम्हारा नहीं है तो फिर मोबाइल क्यों चीख रही थी? अरे बेटा मैं तो पुलिस मोबाइल को बुला रही थी। क्यों? वो चोर मेरा पर्स लेके चले गए। तो फिर ये तीन कौन है? अल्लाह जाने, ये तो मेरी चीखने की आवाज सुन के आए। अबे यार खाली पीली खुटवा दिया बेचारों को, रोका क्यों नहीं मुझे? अरे बेटा क्यों रोकती? एक लड़की से तीन लड़के पिटते देखना किसको बुरा लगता है? चोर का भागा वो। अरे इधर भागा मोटरसाइकिल पे, अब तो वो घर पहुंच के खाना ना खा के लेट भी गया होगा। चलो अम्मा यार अब तुम भी निकलो, जाओ यहाँ से, बेकार में गड़वा दिया बेचारों को। वैसे था क्या पर्स में? अरे बेटा मोबाइल था मेरा। अच्छा अच्छा ये तुम ही रख लो। इसमें फेसबुक है ना? जी हाँ, वो स्टेटस लगा के अपनी सहेलियों को लूटने का बताना है। इधर आजा जल्दी से, तुझे कुछ बातें समझानी है। अम्मा इतना ज्यादा क्यों समझा रही हो? खुद ही तो कहती हो कि मैं बहुत समझदार हूँ। अरे हाँ मेरी बच्ची, लेकिन कुछ बातें होती है जिनका खास ख्याल रखना है। जैसे लड़का के सामने बैठे ना तो उसकी तरफ ज्यादा नहीं देखना। अगर मैं उसकी तरफ नहीं देखूंगी तो वो मुझे पसंद कैसे आएगा? अरे बात को समझो फरहीन, मैंने उन लोगों को बताया कि मेरी बच्ची जो है लम्हे की गाय है, बहुत सीधी सादी है बस। खुदा की कसम वो आप जैसी माएँ होती हैं जो घर में ही औरतों के हकूक को पामाल कर देती हैं। बात अगर औरतों के हकूक पे एक लफ्ज भी तुमने उनके सामने बोला तो वही गलत बात, मैं दम निकाल दूंगी। और कुछ? और हाँ अपनी होने वाली सास का बहुत ख्याल रखना, जैसी वो ड्राइंग रूम में आए ना उनका हाथ पकड़ के बस सोफे पे बिठा देना। लकड़ी वाले पे या स्पंज वाले? नहीं मैं नया खरीद के ला के रखूंगी। अरे किसी पे भी बिठा देना, बस ख्याल रखना है। अब मैं जाऊँ? हाँ जाके जल्दी से तैयार हो जाऊँ। मैं तैयार तो मैं हो चुकी हूँ, और कितना तैयार हूँ। हाय मेरी बच्ची, और मेरी किस्मत तैयार होने के बावजूद लग रहा अभी बिस्तर से सो के उठ के आई है। अम्मा रोजी तो मिलती हूँ आपसे, आप कौन सा जंग लड़के आ रहे हैं आज? ये क्या है, ये क्या है? मैं तुम्हारा बापू मोहल्ले का लौंडा नहीं हूँ, समझ आई तुम्हें? क्या जमाना आ गया है, न सलवार न कमीज न चोटी न चूड़ियाँ। अब्बा मेरे हाथ चूड़ियों के लिए नहीं, हथकड़ी के लिए बने हैं। हाँ गर्दन भी फांसी के लिए बनी होगी, कुछ शर्म कर। अगर इस तरह फिरेगी तो घर में कोई रिश्ता लेके नहीं आएगा। अरे अब्बा फिक्र की क्या बात है, आपकी बेटी इतनी लायक है कि हम खुद जाएंगे लड़के वालों के यहाँ रिश्ता लेके। हाँ, और लड़का जो दुपट्टा ओढ़ के हमें चाय पिलाएगा, है ना? अरे छोड़ो अब्बा ये बात है, ये बताओ घर वाले कहाँ है सारे? सब मिलके फरीन को तैयार कर रहे हैं। क्यों वो तैयार नहीं हो रही? अरे भाई उसे लोग देखने आ रहे हैं। अरे वाह वाह, मतलब उसने ऐसा क्या तीर मार लिया कि घर बैठे उसे लोग देखने आ रहे हैं? अरे भाई उसका रिश्ता आ रहा है। वाह वाह भाई वाह, ये खड़ी दोपहर में चांद कहाँ से निकला है? अब्बा मैं जरा जाती हूँ पूछ के आती हूँ। पूछ के आ, मैं तीन देर बनाऊँ जरा। बस भी करो भाई, मुंह पर और कितना लगाओगी? फहीन बाजी आपके मुंह को ही सबसे ज्यादा जरूरत है। क्यों? वो तो रिश्ता लेने के लिए आ रहा है, वो भी तो वही मुंह लेकर आएगा ना जो उसके ऊपर लगा हुआ है, उसका कोई नया मुंह तो नहीं होगा, तो मैं भी उसके सामने ऐसा ही मुंह लेकर जाऊँ। फहीन बाजी वो मर्द है। तो मैं भी औरत हूँ और मर्द और औरत के हकूक बराबर होते हैं, इसलिए मैं इसी मुंह के साथ उसके सामने जाऊँ। और ना वो मुंह बनाकर चला जाएगा। क्या मुंह ना तोड़ दूं उसका जो मेरी बहन को देखकर मुंह बनाए? किस किस का मुंह तोड़ोगी नरमीन बाजी? फरीन बाजी को तो जो देखने आता है मुंह ही बनाता है। बस कर जाओ, मैंने बड़ी मुश्किलों से इस रिश्ते के लिए ना अपना माइंड बनाया है। दुआ करो कि वो लड़कियों का एहतराम करता हो। एक काम करना ना, जैसे ही वो आए ना तो गेट पर जाके दो चार चमाट करा देना। ऐसा एहतराम करेगा जैसे पूरी दुनिया मेरा एहतराम करती है। नरमीन बाजी एहतराम को जरा डिफाइन करेंगी आप? बस दुआ करो कि वो औरतों से नजरें झुका कर बात करता।
फिर तो आप दुआ करें कि उसका ना कद लंबा हो, ताकि वो हमेशा आपसे नजरें झुका कर ही बात करे। यार मैं तो कहती हूँ फरहीन, लड़का जैसा भी हो ना, बस तुम शादी के लिए हाँ कर दो और शादी हो जाए ना उसके बाद सीने पे घुटना रख के ना सारी बातें मनवा लेना। वैसे शर्मीन तुमने सुल्तान में मिलाया क्या था, मेरे मुँह पर जलन शुरू हो गई है। बाजी वही जो टीवी में बताया था, नींबू सिरका और हल्दी। इससे अच्छा तो अचार मंगवा के मुंह पे मल देती इसके। कफीर, घंटी बज रही है, मुझे तो लग रहा है रिश्ते वाले आगे, जल्दी से जाओ, जल्दी जल्दी। ऐसे हमेशा खुश होती हो जैसे पहली दफा रिश्ता आया कोई। कोई बात नहीं ना, हो सकता। आओ देखते हैं, कोई मसला नहीं है, आ जाओ। अरे अरे भाई, आपकी तो वालदा ने भी साथ आना था। क्यों, मेरी वालदा का तो इंतकाल हो गया है। अच्छा ये बताओ, तुम लोगों में से लड़का कौन है और बाप कौन है? जाहिर है लड़का तो मैं हूँ, मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई। लेकिन तुम तो इनकम टैक्स में थे, ये पुलिस की वर्दी पहन के क्यों आ गए भाई? ओ बाबा जी, क्या समझ रहे हो, मैं इंस्पेक्टर हूँ। तुम्हारे लड़के नुमा लड़की ने इसके और इसके दोस्तों की धुलाई की है। अंडे दूध गोश्त खा के अपनी जान बनाओ, अब एक लड़की से पिट गए यार। अरे नूरी को बुलाओ, हम उसे गिरफ्तार करेंगे। अभी भेजता हूँ, आप जा रहे, वो जा रहे। इंस्पेक्टर साहब, गन निकाल ले, अरे बहुत खतरनाक है। अरे बड़े बड़े तुरमखान देखे मैंने। अरे नरमी शर्मी फरमी, अरे नूरी तू यहाँ खड़ी क्या कर रही है, जल्दी से तैयार हो जाओ, वो लोग आने वाले हैं। बस क्या हो गया है माँ, जिसका रिश्ता आ रहा है उसे जाके तैयार करो। तुझे इस फुलिये में देख के अगर मेरी बच्ची के रिश्ते से इनकार करके चले गए वो लोग तो। अम्मा मैंने उनसे कौन सा उधार मांग लेना है जो वो मना कर देंगे। तौबा है भाई। अरे भाई वो मरमीन बेटी, एक इंस्पेक्टर को भी गिरफ्तार कर लिया। हाय अल्लाह, अरे मेहमान आने वाले होंगे, ये सब कहाँ से आ गया कमबख्त। तो मैं क्या करूँ, इसकी जगह उनको अंदर करवा दूं? कुछ नहीं होगा अम्मा, मैं हूँ ना, मैं सब कुछ संभाल लूँ। पक्की उम्र का इंस्पेक्टर है, कोई बुरका नहीं जो संभाल लूंगी। अरे अल्लाह अब्बा जी, देख अरे कफील हकीम, मेरे तो हाथ पैर ठंडे हुए चले जा रहे हैं, क्या करूँ? आओ तुम्हें चूल्हे पे बिठा लूं। अरे, अरे भाई तुम आलू बुखारा, इमली और सौंफ का पानी पियो, शरबत बना के देता हूँ तुम्हें। तुम बना के लेकर आओ। अल्लाह, तुम्हें यकीन है कि वो लड़की थी? जी सर बिल्कुल लड़कों की तरह थी, अभी आ रही है, आप खुद देख लीजिएगा। ले जी आ गई। अस्सलाम वालेकुम इंस्पेक्टर साहब। तुम कौन हो, मुझे तो नूरी से मिलना है। मैं ही तो हूँ नूरी इंस्पेक्टर साहब। तुमने इस लड़की की धुलाई की है? इंस्पेक्टर साहब मुझसे तो अपने कपड़ों की धुलाई नहीं होती। झूठ इल्जाम लगा था क्या? उसे तो मुक्का मार के मेरे दांत भी तोड़ दिया था। इंस्पेक्टर साहब मैं तो इस डर से पत्ता नहीं तोड़ती कि गुनाह मिलेगा, इन नाजुक हाथों से मैं किसी का मुंह कैसे तोड़ सकती हूँ? इस बेवजह इल्जाम पर ना तुम्हारा मुंह तोड़ सकता है। अरे सर कौन कहता है मर्दों का माशरा, अरे मर्द तो मुसलसल पिटी रहा है। हाँ इंस्पेक्टर साहब, मर्दों के माशरे से याद आया, आपको पता है कल ना मैं बस स्टॉप पे खड़ी थी और ये ना अपने दो दोस्तों के साथ मुझे छेड़ने आया था। तुमने लड़की को छेड़ा मेरे इलाके में? यार मुझे मत मारे, ये झूठ बोल रही है। इंस्पेक्टर साहब आप ना बस ड्राइवर और कंडक्टर से पूछ लीजिएगा, उन्होंने भी इसको झाड़ा था कि तुम इस मासूम लड़की को छेड़ते हो। आप तो फिक्र नहीं करें, इसकी तो थाने जाके मैं वो चित्रोड़ करूंगा ना कि सारी जिंदगी याद करेगा। चलो तकलीफ की माफी। लगती है भोली भाली, बतवाले नैनो वाली, इनकी मासूमियत से जरा बचना। मर्जी अपनी मनवाए, परियां खुद को कहलाए, दिल को संभाल के तू अपने रखना। तेवर है इनके ऐसे, किसी मुल्क की मलका जैसे, इनको पटाए कैसे, हाय मिर्चियां ये मिर्चियां। ओ लड़कियां ये जी 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 बिल्कुल बिल्कुल सही पहुंचने वाले हैं आप लोग, यही गली यही घर है। जी जी पहुंच जाए तो बिना झिझक घंटी बजा दीजिएगा, हम इंतजार कर रहे हैं। जी जी हाँ जी हाँ जी ओके। अरे कफील अब तो ये लोग पक्का ही आ गए। तो फिर भूख लगी है खिलवा दो। दिमाग चल गया क्या तुम्हारा, मेहमानों को खाओगे? अरे जब टिक्का आएगा तो खाएंगे नहीं क्या? अरे 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 तुम्हारे कान का आला कहाँ है, तुम्हें कम सुनाई देता है, तुम्हें क्यों नहीं याद रहता कहाँ है? वही तो ढूंढ रहा हूँ, पता नहीं कहाँ रख दिया मैंने। घंटी बज गई, घंटी बज गई। बात सुनो कफी, खबरदार जो तुमने उनसे ज्यादा बातें की होंगी बस उनको सीधा ड्राइंग रूम में लेके आ जाना, वरना मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। जाओ जल्दी जाओ, समझ आई तुम्हें कुछ? बात सुनो। हाँ अच्छा, जल्दी जाओ जल्दी। शर्मीन ने ना टीवी से देखकर उबटन लगाया था मेरा मुंह पर। हाय अल्लाह, वो
लोग यही मुंह देखने तो आ रहे हैं? अब क्या होगा? अरे वही होगा जो पिछले 135 दफा होता आ रहा है। आए मेरी किस्मत, जा जल्दी जाके मुंह को कुछ ठीक कर। भाई लड़के की उम्र बेताशा है। अरे ये लड़के नहीं है, ये लड़के के वाली साहब है। खाली साहब, मैं कफील हूँ। भाई मैं खालिद नहीं बल्कि मेरा नाम शकील हफीज है। अच्छा आप मरीज भी है? हाँ मेरे घुटनों में दर्द रहता है, आप डॉक्टर हैं क्या? जी मैं हकीम हूँ, आइए घुटने तुलवा रहे हैं अपने, आप आ जाए आ जाए आ जाए, मैं भी ठीक कर देता हूँ, आ जाए। अरे क्या गोबर मल दिया लड़की? अम्मा वही लगाया था जो टीवी पे नींबू का सिरका और हल्दी मिलाई थी। है? हल्दी? हमारे बावर्ची खाने में तो हल्दी है ही नहीं कमबख्त। तो वो सफेद बनी भी क्या था? हाय मेरे खुदा है। अरे वो तो चूहे मारने वाली दवाई थी, पता नहीं क्या रिएक्शन हो गया मेरी बच्ची के मुंह पे। अम्मा इतने लोचे की जरूरत नहीं है वैसे। अरे वो घर पहुंच गए, लड़की को तो देखने आए, यही मुंह तो देखने आए। अम्मा यार ऐसा करते ना, बाकी सब कुछ दिखा देते हैं और मुंह के बारे में बोलेंगे कि फिर कभी देख लो। तू बकवास बंद कर। शर्मिन मैं कह रही हूँ इसे ठीक कर दे, ये रिश्ता हाथ से नहीं जाना चाहिए। अम्मा परेशान नहीं हो, मैं ना मुट्ठी भर के ना मुंह पे फाउंडेशन लगा देती हूँ, बेस लग जाएगी ना, कुछ पता नहीं चलेगा। नहीं नहीं मैं नहीं कोई इतना केक पेस्ट्री बन के जाऊंगी किसी के सामने। अच्छा तो ये सिंघाड़े वाला मुंह लेके जाएगी? अम्मा इसकी बेस लगवाओगी तो वो लोग देख कर क्या बोलेंगे? वो क्या बोलेंगे? बोलेंगे बेबी को बेस पसंद है। देख नरवीन तू दांत ना निकाल, मैं तेरे दांत तोड़ दूंगी। जा बोतल लेकर आ जल्दी से इनके लिए। चलो फरीन बाजी तुम्हारे मुंह पे व्हाइट वॉश कर दूं। आ जाओ जल्दी। क्या मुसीबत है भाई, पहले ही मुझे भूत बना दिया। माशाल्लाह से हमारा बेटा सही कमाता है। सही कमाता है? हमने तो सुना था कि वो इनकम टैक्स में। भाई मुझे लगता है ये ऊंचा सुनते हैं। अरे अब आपके सामने मैं ऊंचा कैसे बोल सकती हूँ? अस्सलाम वालेकुम, आप लोग कैसे? आओ बहन, हम बड़ी मुश्किल में हैं। हाँ ये इस सोफे में ना कील है, आप लोग दूसरे सोफे पे हो जाएं। अरे भाई हम आपके शोर की बात कर रहे हैं। नहीं नहीं कफील में तो कोई कील नहीं है। ओहो आपके मियाँ ऊंचा सुनते हैं। ओ हाँ ये ना अपना आलस हम रख के कहीं भूल गए, आपका बेटा नहीं आया? अरे वो दफ्तर से निकल पड़ा है, बस पहुँचना ही वाला होगा। आपकी बेटी कहाँ है? वो अपना बड़ा सा मुंह, मेरा मतलब है प्यारा सा मुंह सजा रही है, बस आने वाली होगी, आने वाली होगी, आ रही है। काय का खुश हो रही हो इतना? रिश्ता है बेटी का, चुप कर। अच्छा एक्सक्यूज मी भाई, ये पता बता। ये पता? मुझे तो नहीं पता यार, सामने दुकान वाले को पता होगा, उससे पता कर लो। एक जुमले में चार चार पते। हेलो बेबी। गफूर भाई जल्दी करो यार, घर मेहमान आए, बोतलें दो। भाई साहब जरा ये पता बता। ओए तूने मेरे कंधे पे हाथ कैसे रखा? सॉरी बहन जी, मुझे नहीं पता था कि ये आपका कंधा है। अकेला छेड़ता है हाँ? मगर मैंने तो अकेला लड़का समझकर कंधे पे हाथ रखा। तेरा ये हाथ तोड़ के दूसरे हाथ में दे दूंगी मैं। मैंने सिर्फ पता पूछना। अब मेरे घर का पता भी चाहिए तुझे? तेरी मैं नूरी नूरी क्या कर रही है ये तू? मेरे पता पूछना है ये? छोड़ दे छोड़ छोड़ हाथ को। भाई साहब आप जाए, क्या करते रहती है तू? ये क्या हो गया गफूर भाई, पता तो बताने देते। अरे अगर तू पता बता देती वो लापता हो जाता। ये पकड़ चल जा। हद है। भाई हमें तो फरहीन बहुत प्यारी लगी। देखा बाजी मैंने बोला था ना। भाई आपने क्या बोला था बताना तो हमें। असल में मैंने बाजी के मुंह पर ना पढ़ के फूका था। पढ़ के फूका था ना, मेरी बच्ची है इतनी प्यारी शक्ल की, मैं हर वक्त पढ़ पढ़ के फूकती रहती ताकि मेरी बच्ची को नजर न लग जाए। असल में हमारे लड़के को लड़की घोड़ी पसंद है। घोड़ी पसंद है? अब हमारी बच्चियां ऐसी भी नहीं है छोटा। अरे आप चुप करके बैठिए, आपके कान खराब है। चुप। अम्मा अब्बा कान से थोड़ी बोलते हैं। अरे भाई हमें तो लड़की पसंद आ गई है और फैमिली भी, बिल्कुल हमारी तरह के दीवाने लोग हैं। क्यों शकील जी, मुझसे कुछ कहा आपने? अब्बा उन्होंने शकील कहा है, कफील नहीं है जी। अच्छा वैसे आपने तो मुझे पसंद कर लिया, मगर जरा ये तो बताएं कि मेरा पसंद करना तो अभी बाकी है। आपके बेटे के औरतों के हकूक के बारे में क्या ख्याल है? आप सोचता तुम बहन आप खुदा के लिए मेरा पीछा न करें, मुझे माफ कर दे। तू मेरा पीछा करते हुए मेरे घर तक पहुंच गया,
मेरे घर। लेकिन मैं यहाँ आपसे मिलने नहीं आया हूँ। अच्छा तो मेरी बहनों को छेड़ेगा, बहनों को छेड़ेगा। ऐ बताती हूँ। अरे हमारा बच्चा तो हर औरत की इज्जत करता है, तो क्यों शकील? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तुम तो चुपके बैठे रहो, सुनाई कुछ देने रहा। हाँ 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 भाई हमारा लड़का जो है और औरत को अपनी माँ बहन समझता, लेकिन बीवी को पाँव की जूती समझता हो। अरे नहीं भाई, हमारा बेटा तो जूता पहनता है। देखा? अरे लेकिन वो औरतों के हकूक का अलम बरदार है और औरतों के हकूक के लिए आवाज उठाता है। ओ, अब करेगा, छेड़ेगा किसको? बोल बोल, ऐसे मारूंगी माँ, लेके जाके मारूंगी। ऐसे भी याद करेगा, तेरी माँ भी याद करेगी, तेरे बाप भी याद करेगा। ये तो आवाज हमारे सहन से नहीं आ रही। लेकिन आवाज में कुछ जान ही पहचान ही से लग रही है। ये लड़कियां हैं।